नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने चैनल टीम गुरु में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला प्रो कबड्डी का जो आज का सेकंड मैच होगा बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पटना पायरेट्स की जो है उसकी ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम, साथ में ग्रैंड लीग के लिए टिप्स ट्रिक्स और बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ग्रैंड लीग में टीम बना सकते हो, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छा प्लेयर हो सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल चेंज इस मैच में हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए एक टीम बना के रखी है फ्रेंड्स, जो बेसिकली मैंने बनाई है स्मॉल लीग के लिए। आप चाहो तो इस टीम को ग्रैंड लीग में लगा सकते हो फ्रेंड्स, बस आप लोग थोड़े बहुत चेंज इसमें टीम में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं राइडिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, राइडिंग डिपार्टमेंट से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीन राइडर के साथ मैं गया हूँ फ्रेंड्स। मेरे पहले राइडर है पटना पायरेट्स की तरफ से प्रदीप नरवाल। तो प्रदीप नरवाल फ्रेंड्स कल के मैच में फ्लॉप रहे थे पूरी तरह से, तो फ्रेंड्स लेकिन काफ़ी बड़े प्लेयर तो हम इन्हें मिस नहीं कर सकते। देख सकते हो 5 पॉइंट कल के मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अर्न किए थे फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स किसी प्लेयर का दिन नहीं रहता है, तो इसलिए और यहाँ पे ये कल चल नहीं पाए थे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरे जो राइडर लिए हैं वो लिए हैं यहाँ पे बेंगलुरु की तरफ से रोहित कुमार। तो रोहित कुमार भी पिछले मैच में फ्रेंड्स काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाए थे इन्होंने भी। देख सकते हो यहाँ पे 40 पॉइंट अपनी टीम के लिए लाए थे, मतलब अच्छा कमबैक किया था रोहित कुमार ने भी। स्टार्टिंग के मैच ये कुछ खर नहीं पड़े थे, लेकिन फ्रेंड्स आप फॉर्म में आ चुके हैं तो हम इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम में। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मैंने बेंगलुरु की तरफ से जो आजकल मतलब सबसे अच्छी फॉर्म में चले पवन कुमार सेहरावत, हर मैच में फ्रेंड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका अभी तक चल रहा है देख सकते हो, तो इनको लिया है फ्रेंड्स। इनके अलावा आपके पास जो ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौसलिंग अदा के आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए। आपके लिए फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन ये हो सकते हैं, तो आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग की टीम में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, आपके पास क्रेडिट का भी पूरा आप मैनेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीपक नरवाल नहीं खेलेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी मत लीजिए। तुषार पाटिल भी मतलब कम चांस इनके भी, पिछले मैच में तो खेले थे फ्रेंड्स लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, तो मेरे हिसाब से इनको भी अच्छे ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे मंजीत फ्रेंड्स आपके पास अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप लोग मंजीत के साथ जा सकते हो। स्पेशली ग्रैंड लीग में आपके लिए मंजीत काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ 10% लोगों ने लिया, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मंजीत के जो स्टार्टिंग के मैच थे तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया था अपनी टीम के लिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप मंजीत को ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे विकास को भी पिछले मैच में खिलाया गया था फ्रेंड्स, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। देख सकते हो 22 पॉइंट इन्होंने अपनी टीम के लिए दिया था, तो ग्रैंड लीग के लिए ये आपके पास अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग में फ्रेंड्स आप स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे प्रदीप नरवाल, रोहित कुमार और पवन कुमार सेहरावत, तीनों को तो मैंने लिया है। लेकिन अगर आप लोग प्लेयर स्वैप करना चाहते हो, आपके लिए यहाँ पे कौसलिंग अदा के काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, और यहाँ पे मंजीत आपके लिए दो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स बाकी आप लोग स्मॉल लीग की टीम में और कुछ किसी के साथ मत जाइए, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ग्रैंड लीग में आप लोग जा सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन स्टार्टिंग सेवन में आएंगे राइडिंग डिपार्टमेंट से। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एकमात्र ऑलराउंडर को लिया है जो है यहाँ पे विजय। तो फ्रेंड्स विजय के अलावा आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन बचता है जसमेर सिंह के साथ आप जा सकते हो, बाकी कोई भी नहीं खेलेगा। यहाँ पे कुलदीप सिंह इंजर्ड है तो आप इनको बिल्कुल भी मत लीजिए, बाकी यहाँ पे ऑन भी नहीं खेलेगा फ्रेंड्स तो इनको भी मत लीजिएगा आप। अब चलते हैं डिफेंस में, तो फ्रेंड्स डिफेंस में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन डिफेंडर लिया है। जो है मेरे पहले डिफेंडर है फ्रेंड्स वो है आशीष कुमार, जो बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे हैं फ्रेंड्स और कंटिन्यू ठीक ठाक परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए ये लेना बनता ही नहीं स्मॉल लीग की टीम में। दूसरे जो मैंने यहाँ पे डिफेंडर लिया फ्रेंड्स वो है जयदीप को, तो जयदीप फ्रेंड्स कल के मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे थे ये भी, तो लेकिन काफ़ी अच्छे यहाँ पे ये डिफेंडर है फ्रेंड्स, देख सकते हो इनका कंटिन्यू अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी टीम के लिए, तो हम इन्हें स्मॉल लीग की टीम में बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। तीसरे जो मैंने यहाँ पे डिफेंडर लिया फ्रेंड्स वो लिया बेंगलुरु की तरफ से संदीप को, तो संदीप भी फ्रेंड्स अच्छा परफॉर्म अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। आप चाहो तो आप संदीप की जगह पर ले सकते हो यहाँ पे 13 पॉइंट में मनीष को, लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ पे संदीप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इन्हीं को सजेस्ट करूँगा। बाकी आप यहाँ पे ले सकते हो महेंद्र सिंह को, विकास काले को, जवाहर को, ये आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इन तीनों के साथ भी जा सकते हैं। स्पेशली ग्रैंड लीग के लिए आपके पास यहाँ पे महेंद्र सिंह मेरे हिसाब से फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है अभी तक, तो आप जयदीप की जगह अगर लेना चाहो तो महेंद्र सिंह को भी ले सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप टीम को सेव कर लेता फ्रेंड्स। बाकी मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पे पवन कुमार सेहरावत मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैप्टन होने वाले हैं, और प्रदीप नरवाल सबसे अच्छे वाइस कैप्टन, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो फ्रेंड्स ये, क्योंकि पवन कुमार सेहरावत अच्छी फॉर्म में, तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जाएंगे इनके साथ एज ए कैप्टन, तो इन प्रदीप नरवाल जबकि देखा जाए तो इनसे काफ़ी अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी न किसी टीम में प्रदीप नरवाल को भी कैप्टन जरूर रखिए। स्पेशली आप लोग जब खेलते हैं 5 मेंबर में 10 मेंबर में, तो आपके लिए प्रदीप नरवाल काफ़ी अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग में आप यहाँ पर रोहित कुमार को भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ले सकते हो फ्रेंड्स।
स्पेशली काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं ये। बाकी आशीष कुमार भी आपके लिए बैंगलोर की तरफ से अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, आप यहाँ से कैप्टन इन्हें ले सकते हैं फ्रेंड्स। आपको लगता है अगर बैंगलोर विन करेगी और पवन कुमार को शेरावत को वाइस कैप्टन, तो ये कॉम्बिनेशन आप ग्रैंड लीग में बना सकते हो फ्रेंड्स। बाकी स्मॉल लीग में तो मैं कहूँगा कि आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाइए तो आपके लिए बेहतरीन टीम ये रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आप टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं, और मैं अगर आप लोग को ये टीम पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ गए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर कबड्डी से रिलेटेड हर एक टीम, हर एक न्यूज़ और जो भी फ्रेंड्स अपडेट आता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और बाकी जो भी ड्रीम इलेवन फैंटासी स्पोर्ट्स से रिलेटिव कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।